जाओ और मैंने जाओ जो और कुछ मैंने कहा जो है कुछ उसे कहा है लिख लो। उसे लिख लो। मैं शहर के करीब वापस आऊंगा। मैंने खुद से कहा क्योंकि ये एक पैगंबर और तारीख की बेमिसाल शख्सियत इसे जरूर किसी आला खानदान से होना चाहिए और तशख्खुस से मेरा मतलब पैगंबरी की सिलसिला है ना कि बादशाही। बस मसीह को यहूदी पैगंबरों के खानदान से ही होना चाहिए। ये पहली मर्तबा है कि मैं मसीह के बारे में इस तरह की बात सुन रहा हूं। क्यों आने वाले नबी को गुज़िश्ता नबी के खानदान से होना चाहिए? वजह यह है कि पैगंबर फैज़े खुदा और दुनिया के बीच का राब्ता है, यानी वो सभी एक लंबे सिलसिले के बाद एक ही मकाम पर पहुंचते हैं और वो दुनिया के पलटने का मकाम है और वो आखिरी जमाने के पैगंबर का नफ्स है जिसके जहूर के लिए दुनिया वाले मुंतजर हैं और वही जमीन पर खुदा का आखिरी पैगंबर होगा। यानी आप कह रहे हैं मसीह दाऊद पैगंबर की नस्ल से हैं? देख रहे हो कितना आसान है। इन पेचीदा इल्मी और नजूमी हिसाब करने की बजाय बेहतर होता कि हम सीधे दाऊद के घर चले जाते। ऐसी चीज जो अक्सर लोगों की नजरों से पोशीदा रह गई है। क्या यहूदिया में दाऊद के खानदान वाले ज्यादा हैं? नहीं, बहुत कम हैं। क्या उनके दरमियान कोई ऐसी औरत है जो हामिला हो? मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता चले। क्या यरूशलम में किसी ऐसी औरत को पहचानते हैं जिसमें एक पैगंबर की माँ होने के अच्छे सिफात पाए जाते हों? क्या कोई गैर मामूली औरत वहाँ जिंदगी गुजार रही है जो उसकी सारी औरतों के अतराफ नुमाया हो, या उसके करामात और हैरत अमेज कारनामे लोगों के दरमियान देखे गए हों? देर हो गई है, सब थके हुए हैं, बेहतर है कि आराम करें। तुम उसे पहचानते हो? नहीं, जिसके बारे में आपने कहा मैं उसे नहीं पहचानता। तुम न सिर्फ उसे पहचानते हो बल्कि उसके लिए परेशान हो, ऐसा ना हो कि वो पहचानी जाए। आखिर कहां से आपको ये कहां से पता चला? चेहरे से। मोहब्बत इंसान के चेहरे को एक किताब के नूर की तरह रोशन कर देता है। मैं एक रूमी हूं, अपने खुदाओं की परस्तिश करता हूं। तुम यख्ता परस्तों के अकीदे को कबूल नहीं करता, जाने की इजाजत दें। आइए बैठिए जनाब प्रिक्लेस, आइए बैठिए। बैठिए। कल रात एक अजीब ख्वाब देखा। बादशाहों के लिबास में एक मर्द था। मेरे ख्वाब में एक बादशाह सुर्ख जमीन पर चलते हुए जा रहा था। ये सुर्खी उन बेगुनाहों के खून की थी जो उसके अतराफ में कत्ल किए गए थे। सही है कि हरूद से बराहे रास्ता हुक्म नहीं लेता हूं, लेकिन उसे यहूदियों का बादशाह और कानूनी हुक्मरान मानता हूं। हम लोग ईरानी दानिशमंद हैं एक अजनबी सरजमीन पर, हमें सियासत से कोई काम नहीं, तो परेशान ना हो। इसीलिए एक साथ ख्वाबों और वहमों के सिलसिले में गुफ्तगू कर सकते हैं। इस सूरत में किसी चीज की जिम्मेदारी हम में से किसी पर नहीं आएगी। अच्छा तो आप क्या कहते हैं जनाब प्रिक्लिस? ख्वाबों और वहमों के बारे में गुफ्तगू कर सकते हैं। वो बादशाह जिसे ख्वाब में देखा दावा कर रहा था
कि सूरज को देखने का मुंतजर है, लेकिन सूरज को देखते ही उसने तीरों कमान खींचा ताकि उसे अपना निशाना बनाए। सभी बादशाह ऐसे ही हैं जैसा आपने कहा। अफसोस, राजी नहीं हूं कि बादशाह के हाथों इस्तेमाल हो जाऊं ताकि वो सूरज को अपना निशाना बनाए। हमें इस तलाश को छोड़कर अपने मुल्क वापस लौट जाना चाहिए। हाँ, ये बेहतर है। अगरचे बड़ा लंबा सफर तय किया है, मेरी आरजू थी कि उसका दीदार करूं, लेकिन अफसोस। बेहतर है कि हम सब साथ यरूशलेम लौट जाएं। अफसोस, एक अजीम मौके को हाथ से गवा दिया। और हारूत से कह देंगे कि मसीह को नहीं ढूंढ पाए, जो झूठ भी नहीं है, और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आप रूमी ओलंपस खुदाओं पर अकीदा रखते हैं, क्या ऐसा नहीं? मेरा किसी चीज पर अकीदा नहीं है। मैं एक रूमी हूँ और खुद के अकीदे और खुदाओं का पैरो हूँ। फिर कैसा है कि उसका मकरूज हूँ? मुझ पर और मेरी जौजा पर एक बड़ा एहसान किया था। मेरी बेटी बीमार थी। अजीब बात है, एक रोमी अफसर और तीन अजनबी ईरानी, ये ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा इस मां बेटे से मोहब्बत करते हैं और उसके दीदार की आग में जल रहे हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें तन्हा छोड़ दिया है और उनकी अहमियत और रुतबे से बेखबर हैं। इस सितारे ने कई आंखों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। क्या मरियम की खैबत से इसका कोई रब्त है? ईरानी दानिशमंद कह रहे हैं ये सितारा मसीह का सितारा है। नहीं जानता क्यों मेरे दिल में घुटन हो रही है। मेरी ताहिर मुकद्दस मरियम, खुदाया तेरी इस कमजोर कनीज पर रहम कर। उसे कहां छिपाया है? क्या ये बस नहीं था कि पैगंबरी और यहोवा की आवाज सुनने का दावा कर रहे थे?
अब कौन सा बेहुदा फेल अंजाम दिया कि उसे छिपा दिया है? मरियम को क्या हुआ? उसे क्या मर्ज है? क्यों इबादतगाह से जाते वक्त अपने हाथों को सीने पर रखा था? क्यों यूसुफ और जकरिया घर घर उसकी तलाश में भटक रहे थे? हमसे कहो अलीसाबाद, उसे कैसा दर्द है? तो क्यों उसकी कोई खबर नहीं है? मरियम इस वक्त कहाँ है? मरियम तो सफर पे गई है। सफर? और वो भी मख्फी? कहाँ गई है, कहाँ? मरियम तुम से और तुम जैसों से थक गई है। अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? तुम और तुम्हारा वो झूठा शौहर कब तक उस जादूगर लड़की को छिपा कर रख सकते हो? आखिरकार हम उसे ढूंढ लेंगे और जिस गुनाह को तुम लोग छुपाना चाहते हो फाश कर देंगे। तुम्हारा मतलब क्या है? कैसा गुनाह? उनका मतलब क्या है? खुदाया हम पर रहम कर, इस तनहा और मजलूम लड़की पर रहम कर। सलाम इदरीस। सलाम इलियास। ताजा खुरमा लाए हो? झूठा पैगंबर, वो देखो जा रहे हैं खुदा के नबी। Thank you.
ऐ काश इससे पहले मैं मर गई होती, ऐ काश सभी ने मुझे फरामोश कर दिया होता, ऐ काश किसी ने मरियम के नाम को न सुना होता और उसे याद नहीं करता। क्या हो गया? खुदाए शुक्र, बारे इलाह शुक्र, खुदाया शुक्र, अली सबहाक, अली सबहाक, अली सबहाक। क्या हो गया ज़करिया? मसीह पैदा हो गए, मसीह, मसीह पैदा हो गए। मरियम, मरियम, ऐ मरियम, परवरदिगार का कलमा तुम्हें मुबारक हो। किस लिए मायूस हो? भूखी हो, प्यासी हो? अपने पैरों के नीचे जमीन को देखो। खुदा ने तुम्हारे लिए एक चश्मा जारी कर दिया है। देख रही हो कि तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें फरामोश नहीं किया है मरियम। अब उसमें से पियो और खुद को सैराब करो। अब भी मायूस हो? और खाओ, तुम्हें लंबा रास्ता तय करना है। तुम्हें यरूशलम वापस जाना है। यरूशलम, इस बच्चे के साथ कैसे? वो मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, मुझ पर तोहमत लगाएंगे।
लेकिन अगर मेरा परवरदिगार ऐसा ही चाहता है, मैं उसकी फरमा बरदार कनीस हूं। जब शहर वापस जाओ, किसी से बात न करना, जिसे भी देखना उसे समझाना कि खुदा के हुक्म से खामोशी का रोजा रखा है। तुम्हारा बच्चा खुदा की इजाजत से सब कुछ ठीक कर देगा। आइए 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 अली जनाब, और खुद ही नजदीक से देखिए। कौन कर सकता है ये? कौन कर सकता है ये? ये कैसे किया होगा उसने? किसने देखा? मुझे तो नहीं लगता, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये हादसा सुबह सवेरे पेश आया, किसी से पूछ। एक खिदमत गुजार कह रहा था कि उसके कानों में एक खौफनाक आवाज आई। अच्छा जनाब इफ्रानीम, आप उसका ख्याल रखना कि वो इस हादसे की कहीं और गुफ्तगू ना करे। बहुत अजीब बात है, आसमान में वो दुमदार सितारा और अब कुछ में इतनी बड़ी शिकाफ। इबादतगाह के बाहर किसी को भी इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। हुक्म दीजिए कि फौरन इस दीवार की मरम्मत करें। नहीं जानता कि वाकई क्या हुआ, सिर्फ जानता हूं कि कायनात में तब्दीली हो रही है। एक गैर मामूली हादसे ने पूरी दुनिया को लर्जा दिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। अली साहब, तुम याहिया के साथ दूसरे शहर चली जाओ, बैतलहम या नासेरा। यूसुफ, तुम भी तैयार रहो कि मरियम के मिलते ही उसे यहाँ से दूर कर दें। मैं तैयार हूँ। और आप क्या करेंगे? मैं इसी अतराफ में हूँ, यरूशलम या जलीला में। शायद मुखालफीन का गुस्सा मुझ पर उतर आए। मैं चाहता हूँ कि तुम और मरियम उनके गजब से महफूज रहो। नहीं नहीं, मैं यहीं रहूंगी, मैं आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें याहिया की फिक्र करनी चाहिए, खुदाबंद ने उसे एक निहायत अहम मुस्तकबिल के लिए हमें अता किया है। मेरी उम्र तो पूरी हो चुकी है और मुझे दुनिया से कोई उम्मीद नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी निस्बत मुतमईन रहूं। चलो यूसुफ। खुदा हाफिज। निगाह कीजिए वहां ऊपर। वो कौन है? एक तन्हा औरत और उसका बच्चा। वो तो मरियम है। हाँ मरियम है, लेकिन एक बच्चे के साथ। उसकी गोद में बच्चा है? हाँ। और या यूशा, जल्दी करो, ये सरकार को खबर दो, कहो मरियम अपने बच्चे के साथ शहर की तरफ आ रही है। साथ में लोगों को भी खबर दे देना। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। सभी औरतें आए। मरियम, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। बानो अस्तर, बानो अस्तर कहाँ हो? जल्दी कीजिए, मरियम अपने बच्चे के साथ शहर आ रही है, औरतों को बुलाया है। जल्दी कीजिए। हाँ, काहिनों का हुक्म है कि सभी औरतें आए। हाँ आइए। हाँ सभी औरतें आए। हाँ जल्दी चलिए, चलिए। जनाबे ऐसा कवार, जनाबे ये सरकार, अली जनाब, जनाब ये सरकार, सुनिए, मरियम अपने बच्चे के साथ शहर आ रही है। जाओ और सभी काहिनों को खबर कर दो। जनाबे ये सरकार, आज काम को तमाम करना चाहिए। सदूकी भी आ गए।
क्या यह खबर सही है? हाँ, सदूकी हमारे साथ हैं। यहूदी कौम में फितना और फसाद खत्म करने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। तो फिर चलिए। मैंने कहता था यह गलत बात है। पता नहीं किसका बच्चा उठा लाई है ये मरियम। बहुत शर्मनाक बात है। हाँ। ऐसे कोई करता है भला? क्या हो गया है? क्या कोई आ रहा है? मैं नहीं जानता। वहाँ क्या हुई? काहिनों, सब्र करो, सब्र करो, तहम्मुल करना चाहिए। पीछे हटो, पीछे जाइए। मरियम को आने दें। हमने खुद को कानून इलाही नाफिज करने के लिए आमादा कर लिया है। मरियम, तो मुकद्दस मरियम वापस आ गई है। मरियम, ये काम क्यों किया? हम सब तुमसे उम्मीद लगाए थे। ये क्या जिल्लत है मरियम? वैसे जकरिया को मुबारक हो। मरियम, तुमने बुरा और नागवार काम अंजाम दिया है। तुम गुनाहगार हो मरियम, गुनाहगार। क्या देख रहा हूँ मरियम, कैसे यकीन करूँ? यकीन करना मुश्किल नहीं है जनाबे हिलाल। क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि वो धोखेबाज है? उसने सभी लोगों को मक्कारी से धोखा दिया, पाकीजगी और खिदमत का इजहार किया, लेकिन अब क्या देख रहे हैं? उसकी गोद में एक बच्चा है, एक गुनाह का फल। वाय हो यहूदी कौम पर। शर्म नहीं आती? मरियम, क्या हुआ? कहाँ थी तुम? मरियम, इमरान नबी की बेटी। तुम्हारा बाप तो बुरा नहीं था, तुम्हारी माँ भी फाजिरा न थी मरियम। ये क्या जिल्लत है जो साथ लाई हो? उसे जला देना चाहिए। काहिनों की लड़की की यही सजा है अगर उनसे गुनाह मुर्तकिब हो। उसको जला देना चाहिए। जला देना चाहिए। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। सिर्फ आग ही उसे पाक करेगी। मरियम, कुछ बोलो, अपना दिफा करो। बोले? कुछ बोलो मरियम, कुछ तो बोलो। खामोश रहो जकरिया, तुम जो भी कहोगे झूठ। ये लोग इसके साथ क्या कर रहे हैं? अगर तुमने इसे इसके जादू से लोगों को फरेब नहीं देने दिया होता तो आज ये नौबत देखने को नहीं मिलती, समझे जकरिया? खुदा तुम्हारे चेहरे को स्याह करे, खुदा तुम सबके चेहरों को स्याह करे कि बगैर इल्म के तोहमत लगा रहे हो, और वो भी जमीन पर सबसे पाकीजा औरत पर। खुदा तुम्हारे चेहरे को सियाह कर दे कि इस तरह बनी इसराइल और मुकद्दस इबादतगाह को रुस्सा किया। क्यों कुछ नहीं बोलते जनाबे हिलाल? मरियम, कुछ बोलो, अपना दिफा करो। बोले? नहीं देखते ऐसे मौके पर खामोशी का रोजा रखा है? अलबत्ता कोई भी उसकी जगह होता तो ऐसा ही करता। कुछ बोलो मरियम, कुछ तो बोलो। ये लोग इसके साथ क्या कर रहे हैं? अगर तुमने इसे इसके जादू से लोगों को फरेब नहीं देने दिया होता तो आज ये नौबत देखने को नहीं मिलती, समझे जकरिया? खुदा तुम्हारे चेहरे को स्याह करे, खुदा तुम सबके चेहरों को स्याह करे कि बगैर इल्म के तोहमत लगा रहे हो। खुदा तुम्हारे चेहरे को स्याह कर दे कि इस तरह बनी इसराइल और मुकद्दस इबादतगाह को रुस्सा किया। क्यों कुछ नहीं बोलते जनाबे हिलाल? आप भी इस रुसवाई में शरीक हैं, क्या ऐसा नहीं है? कहो, कहो, अपने रोजे को तोड़ो। किसके हुक्म से रोजा रखा है कि अपने बचाव के लिए कुछ बोल भी नहीं सकती? सोचती हो कि तुम्हारा रोजा कबूल है? कहो, ये जिल्लत क्या है? यानी किया किसे इशारा कर रही हो?
तुम चाहती हो मैं इससे पूछूं? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। ये कौन सा नया खेल है? क्यों इस दरखास्त को पूरी नहीं करते? ये सच है कि ये काम बहुत ज्यादा जुर्रत चाहता है। अगर इजाजत दें तो मैं खुद आप सब की तरफ से आगे बढ़ता हूं। मुझसे चाहती है कि मैं इस बच्चे से बात करूं। मरियम, तुमने मुझे दीवाना समझ रखा है। गुनाह ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। कैसे इस कपड़े में लिपटे हुए बच्चे से गुफ्तगु करें? अरूद सख्त बीमार है। अगर मरियम यहाँ से बच निकले तो उसे शहर से दूर कर देना। सिपाही हर जगह तैनात है। अरूद सख्त बीमार है। अगर मरियम यहाँ से बच निकले तो उसे शहर से दूर कर देना। सिपाही हर जगह तैनात है। कहो, कहो, अपने रोजे को तोड़ो। किसके हुक्म से रोजा रखा है कि अपने बचाव के लिए कुछ बोल भी नहीं सकती? सोचती हो कि तुम्हारा रोजा कबूल है? कहो, ये जिल्लत क्या है? यानी किया, किसे इशारा कर रही हो? तुम चाहती हो मैं इससे पूछूं? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? ये कौन सा नया खेल है? मुझसे चाहती है कि मैं इस बच्चे से बात करूं। गुनाह ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। तुमने मुझे दीवाना समझ रखा है? कैसे इस कपड़े में लिपटे हुए बच्चे से गुफ्तगू करें? देख रहे हैं हमारा काम कहां पहुंच गया है। हमसे चाहती है कि हम इस बच्चे से गुफ्तगू करें। आप सब किसके इंतजार में हैं? जनाबे हिलल, जनाबे सिदकिया, जनाबे यरबाम, जनाबे नतान, बुजुर्ग काहिनों, शहर के ओकला, बाफहम यहूदी, क्यों इस दरखास्त को पूरी नहीं करते? ये सच है कि ये काम बहुत ज्यादा जुर्रत चाहता है। अगर इजाजत दें तो मैं खुद आप सब की तरफ से आगे बढ़ता हूं। हां, मैं आप सब की तरफ से जो यहां हाजिर हैं और गवाह हैं उससे गुफ्तगु करता हूं। ऐ बच्चे, तू कौन है? तू खुद इस मजमे में अपना तारुफ करा ताकि सब जान जाएं। और उस वक्त बच्चे ने अपनी मां की आगोश में गुफ्तगु के लिए लब हिलाए और फरमाया, मैं ईसा मसीह खुदा का बंदा हूं। खुदा ने मुझे किताब अता की है और मुझे नबूवत दी है, और जहां भी रहूं खुदा की बरकत मेरे साथ है। उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है। जब तक मैं जिंदा रहूं मैं मामूर हूं कि अपनी पाकीज़ा मां के साथ मेहरबानी करूं और जालिम व बदबख्त ना रहूं। सलाम हो मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और उस दिन जब दुनिया से जाऊंगा और उस दिन जब दोबारा मबऊस किया जाऊंगा।
और इस तरह हमने मरियम और उसके फर्जंद को दुनिया के लोगों के लिए एक मौजजा और निशानी मुकर्रर किया।